अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लॉकडाउन में नरमी कर दी गई 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक। 13:32 का मैसेज टाइम 3 घंटे, बहुत सारी नरमी की गई और उसके बाद SOPs के साथ मिनी शॉप्स खोलने की इजाजत दी गई रिटेल प्राइस शॉप्स को, पहले ही तरीकेकार से जो क्लिक अवे था। हाँ जी दोस्तों, अब इस बात की जरा तफसील आपको बयान कर देते हैं। 5 अप्रैल से गवर्नमेंट यूनान ने यह फैसला किया था कि 12 अप्रैल तक इसको नरम कर दिया जाए। 13:32 पर मैसेज होगा, टाइम 3 घंटे होगा और एक दिन में ये एक ही मैसेज मुतारिफ कराया जाएगा, यानी कि एक बंदा एक दिन में एक ही मैसेज करेगा, उसको दोबारा ये मैसेज करने की इजाजत नहीं होगी, उसका रिप्लाई नहीं आएगा। शॉपिंग मॉल बड़े बड़े खोलने की इजाजत नहीं देगी, लेकिन रिटेल शॉप्स खोलने की इजाजत दी गई है और छोटी दुकानें क्लिक अवे, बंदा अपना ऑर्डर बुक करवाएगा, वो जाएगा और दुकान से अपना शॉप पर इनवेलप उठा के ले आएगा, या लड़का बाहर शॉप पे खड़ा होगा, वो उसको उसका ऑर्डर उसको दे देगा, या उनकी वेबसाइट पे या उनके मैसेज पे, जो भी तरीकाकार होगा। बहुत बड़ी दुकान हो तो अंदर बंदा जा सकता है, 2 बंदे 25 स्क्वायर मीटर के हिसाब से 1 बंदे की इजाजत है। और दोस्तों उसके बाद यह है कि 12 अप्रैल से स्कूल खोलने की इजाजत में भी देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कोरोना टेस्ट स्टूडेंट्स को और टीचर्स को उनका वो कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। इसके बाद एक बल्दिया से दूसरी बल्दिया जाने की इजाजत कर दे दी गई है। उसका तरीकाकार यह है कि 13:32 पर ही 6 नंबर 6 लिखकर मैसेज करना होगा, उसमें आप एक शहर से एक बल्दिया से दूसरे शहर जा सकते हैं। 12 अप्रैल से पहले पहले तमाम स्टूडेंट्स और टीचर्स को वैक्सीन लगाने की हिदायत या यकीन दहानी की गई है, लेकिन जा सकते हैं। अब कार में 3 अफराद बैठ सकते हैं, 1 ड्राइवर और 2 सवारियां, यानी कि अगर आप दोस्त हैं तो 3 बंदे, यानी कि 1 ड्राइवर है और 2 बंदे अब कार में गवर्नमेंट लेवल के ऊपर यानी कि कानूनी तौर पर 3 बंदे बैठने की इजाजत दे दी गई थी। उसके बाद है जो रिस्ट्रिक्शन लगी हैं कि पाबंदी जो है वो घरों में आप बहुत बड़ा मजमा नहीं कर सकते, घरों में कोई पार्टी वगैरह आप नहीं कर सकते, ये चीज थी। इन फ्यूचर उम्मीद की जा रही है कि 19 अप्रैल तक होटल्स खोल दिए जाएंगे, 22 से 28 के दरमियान होटल खोल दिए जाएंगे कि बाहर बैठकर आप SOPs पर अमल करते हुए खाना खा सकते हैं, अंदर बैठने की भी गुंजाइश इजाजत दे देंगे, लेकिन ये सारा वेलकम कर रहे हैं मई में टूरिस्ट के तौर के ऊपर, और पास्का के दिनों में मैं भी बहुत ज़्यादा सहूलत मजीद दे दें, जो पास्का इनका 2 मई को आ रहा है उस हवाले से खुद इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत अच्छी है कि आने वाले दिनों में तमाम कारोबार खुलने वाले हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें।